ये स्कूल वाकई बहुत ही आलीशान स्कूल है, शानदार स्कूल है, और शायद पूरे देश में दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री, इंक्लूडिंग ऑल प्राइवेट स्कूल्स। अगर सुविधाओं की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो शायद अब ये DPS, मॉडर्न स्कूल, जी गोयंका, कौन कौन से हैं वो, वसंत वैली, उनसे भी बेहतर स्कूल है आप लोगों का। अपने इलाके में कॉलर ऊंची करके बोल सकते हो कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। एक जमाना था जब गरीबों के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो उनको थोड़ा सा हीन भावना होती थी कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन अब गर्व के साथ बच्चे कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जैसा भी बताया गया कि ये SOSC एक नई किस्म का एक्सपेरिमेंट था जो बेहद सक्सेसफुल रहा, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, जिसमें बच्चों को स्पेशल सब्जेक्ट्स के अंदर 9वीं क्लास से तैयार किया जाता है। जैसा भी बताया गया कि अभी दिल्ली में शायद 23 ऐसे स्कूल हैं, 23 स्कूल्स, 37 37, जिसमें सारी स्ट्रेंथ मिला के 4400 सीट हैं, और उन 4400 सीटों के लिए 92,000 एप्लीकेशन आई हैं। सोच सकते हो आप, इतनी लाइन तो DPS और मॉडर्न स्कूल में भी नहीं लगती जितनी आपके स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन लगी पड़ी है। सो इतना शानदार स्कूल है, 92,000 एप्लीकेशंस आई हैं आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, और अगर आपको एडमिशन मिल जाए इस स्कूल के अंदर तो बहुत भाग्य है आपके कि आपको इसमें एडमिशन मिला। मैं बेहद खुश हूं कि आज इस स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है और इतना आलीशान स्कूल है। अभी जब मैं आया तो कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया वहां पे गेट के ऊपर, मैं उनको कहना चाहता हूं आपके भी बच्चों को पढ़ाएंगे हम यहाँ पे। आप विरोध क्यों कर रहे हो, ये कोई आम आदमी पार्टी वालों के बच्चों का थोड़ी स्कूल है, यहाँ BJP वालों के भी बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ कांग्रेस वालों के भी बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ आम आदमी पार्टी वालों के भी बच्चे पढ़ेंगे, और जो किसी भी पार्टी के नहीं है उनके भी बच्चे पढ़ेंगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे। विरोध क्यों करते हो, विरोध करना तो गलत बात है, सबके बच्चों की पढ़ाई होगी, और जगह विरोध कर लेना केजरीवाल का, स्कूल में क्यों विरोध करते हो यार, स्कूल के अंदर तो ये तो गलत बात है। तो मैं कह जब वो आए अपने बच्चों का एडमिशन कराने तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर से कहना चाहता हूं कि उनका फूलों से स्वागत करना और उनके बच्चों को जरूर एडमिशन देना यहाँ पे। आज हमारे साथ मनीष जी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चे आए थे मेरे पास, बोले कि सर मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। तो मैंने कहा हाँ, याद तो हमें भी सबको आ रही है, बहुत सारे टीचर्स भी आते हैं, टीचर्स भी कहते हैं कि उनकी याद आ रही है। तो बोले सर उनके ऊपर बिल्कुल झूठे केस लगाए गए हैं, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। मैंने कहा वो तो सारी दुनिया जानती है, मनीष जी ने आप लोगों के लिए मैसेज भेजा है। वो कह रहे हैं मैं ठीक हूं, जहां भी हूं ठीक हूं, चिंता मत करना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। उनको वहां पे अंदर बैठ के भी आप लोगों की पढ़ाई की चिंता है, आप लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देना, अच्छे नंबर लेके आना, अच्छे से पढ़ाई करना, उन्होंने मैसेज भेजा है। हम सब जानते हैं कि हर एक की जिंदगी में, और खासकर जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, तो भगवान कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? राजा हरिश्चंद्र हुए थे, राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े राजा थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली ये देखने के लिए कि कितना बड़ा सत्यवादी है ये। सो उनका सारा राजपाट छीन लिया, उसके बाद उनके बेटे की मौत हो गई। जब उनकी वाइफ उनके बेटे को
जलाने के लिए शमशान घाट पहुंची तो उनके पास कफन के लिए पैसे भी नहीं थे। इस तरह से परीक्षा लेते हैं भगवान। तो भगवान मनीष जी की भी परीक्षा ले रहे हैं और मनीष जी 100/100 नंबर से पास होके वापस आपके साथ। जल्दी आएंगे और आप सब लोग, सारे बच्चे सवेरे भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो जब भगवान की प्रार्थना करो तो मनीष जी के स्वास्थ्य के लिए और मनीष जी के भले के लिए भी प्रार्थना करना। ओके, थैंक यू।